आइकॉनिक लीव्स। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, दार्शनिक, संगीतकार और बहुविद हैं जिन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। उन्हें 1913 में उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को भारत के कलकत्ता, अब कोलकाता में एक धनवान और प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। वह एक युवा आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में अपना पहला कविता संग्रह भानु सिंह ठाकुर के पदावली प्रकाशित करवाया। टैगोर ने बहुत सारी कविताओं, नाटकों और उपन्यासों की लिखी थी जो आज भी उत्साह से मनाई जाती हैं। टैगोर एक सामाजिक सुधारक भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। वह हिंसा रहित प्रदर्शन के दृढ़ समर्थक थे और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की शक्ति पर विश्वास करते थे। उन्होंने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संयोजन लाने का उद्देश्य रखता था। टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और मुसीबत काटने वाले थे और उनकी कई कविताएं संगीत के लिए अनुरूप बनाई गई थीं। उनके गाने, जिन्हें रबींद्र संगीत कहा जाता है, आज भी लोकप्रिय हैं और बंगाली संस्कृति का अहम हिस्सा माने जाते हैं। टैगोर 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में निधन कर गए थे। उनका विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है और उनके साहित्य, संगीत और सामाजिक सुधार के योगदान आज भी मनाए जाते हैं। Thanks for watching. Subscribe for more videos.